दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट की आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 4 मई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाली हैं आज की तारीख में टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग टाटा आईपीएल 2023 से जुड़ा हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं आज की तारीख क्रिकेट के रिगार्डिंग सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल को लेकर, जहां पर आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है कि आईपीएल 2023 में कल हमें दो जबरदस्त महामुकाबले देखने को मिले थे, जहां पर पहला महामुकाबला हमें चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के बीच हमें लखनऊ के स्टेडियम में देखने को मिला था। महामुकाबले में बारिश ने काफी ज्यादा परेशान किया जिसके चलते मैच को बीच में ही कोल्ड ऑफ करना पड़ा। उसके बाद वही सेकंड महामुकाबला हमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच हमें पंजाब टीम की होम ग्राउंड मोहाली में देखने को मिला। वहां पर रनों की तगड़ी बारिश हुई, छक्कों चौकों की बरसात हुई। एट द एंड महामुकाबले का रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है, लेकिन दोस्तों कल डबल हेडर के बाद हमें आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल में काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं। जी हां, इन दोनों महामुकाबलों के बाद जो आईपीएल 2023 की नई नवेली पॉइंट टेबल, उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर नंबर दो पर आपकी लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम है, नंबर तीन पर आपकी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है। दोनों ही टीमों को कल यहां पर एक एक पॉइंट मिला था। वही पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों ही टीमों की स्टैंडिंग्स में भी हमें यहां पर बड़े फेरबदल देखने को मिले हैं। खैर दोस्तों, जो नई पॉइंट टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियरली विजिबल कर पा रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर आज होने वाला एक बहुत ही जबरदस्त महामुकाबला, जहां पर भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे आमने सामने होने वाली है सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जबरदस्त ये मैच होगा, हैदराबाद टीम के होम ग्राउंड में हमें यह जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस महामुकाबले में हमें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में काफी सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। प्लेऑफ्स की रेस के लिए फिलहाल दोनों टीमें थोड़ा सा यहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए जीत दर्ज करना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में हमें यहां पर डेफिनेटली बड़े बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर भाई आपको जल्द ही अपने चैनल पर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस महामुकाबले के रिगार्डिंग ए टू जेड हर अपडेट देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है केएल राहुल को लेकर, जहां लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम को बीच आईपीएल में तगड़ा झटका लगा है, जहां पर इस टीम के दो बड़े खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं। जी हां, जयदेव उनाडकर प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजर्ड हुए थे और वो आईपीएल 2023 से आप ऐसा बोल सकते हैं कि 95% रूल्ड आउट हो चुके हैं। वही हम बात करते हैं के एल कमाल लाजवाब राहुल के बारे में। उनके लिए ये आईपीएल कुछ खास चल नहीं रहा था, आउट फॉर्म थे, लेकिन इसी बीच आपको पता है टीम के कप्तान थे, टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन वही वो यहां पर फील्डिंग करते वक्त पिछले महामुकाबले के दौरान इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते वो आपके सीएसके के खिलाफ खेले गए मैच से भी बाहर रहे थे। और भाई अब उनको यहां पर अपनी इंजरी की रिकवरी में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो सर्जरी कराने के लिए मुंबई जाने वाले हैं, जिसके चलते अब हम ऐसा मान सकते हैं कि टाटा आईपीएल 2023 से वो अनऑफिशियली, खैर अभी तक तो अनऑफिशियली, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऑफिशियली वो रूल्ड आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। जी हां, आप सभी को मैंने बताया कि कल यहां पर आपकी चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ के बीच एक मैच हुआ था, जहां पर भाई मैच तो बारिश में धुल गया था, लेकिन ऑन द टोस्ट टाइम महेंद्र सिंह धोनी ने एक बहुत ही बड़ा हिंट दिया था, जहां पर उन्होंने ऐसा बोला कि यह महेंद्र सिंह धोनी अगर गांधी आईपीएल एडिशन नहीं होने वाला है। हालांकि उस वक्त पर जो टोस्ट पर जो माइक था, वो जो माइकर थे, वहां पर उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि वो अपने लास्ट आईपीएल को कैसे एंजॉय कर रहे थे। वहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बोला कि आप सभी लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि भाई एमएस धोनी का अंतिम आईपीएल एडिशन है। महेंद्र सिंह धोनी ने खुद इसके रिगार्डिंग अभी तक किसी भी टाइप की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, जिससे भाई यहां पर कुछ हिंट्स ऐसे भी कि आने वाले सीजन में भी, नेक्स्ट एडिशन में भी महेंद्र सिंह धोनी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों खैर, यहां पर जैसे किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट हमें सीएसके या फिर महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से देखने को
मिलेगा। तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले को लेकर, जो हमें 7 जून से 11 जून के बीच लंदन के कैनिंगटन ओवल के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। मैच काफी जबरदस्त होने वाला है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच होगा। टीम इंडिया के स्क्वाड्स यहां पर ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, जहां पर 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर डब्ल्यूटीसी फाइनल से पहले भारतीय टीम को लेकर बुरी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को बताया कि ऑलरेडी काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी यहां पर रूल्ड आउट हो चुके हैं। आपके यहां पर ऋषभ पंत नहीं, आपके जसप्रीत बुमराह नहीं है, जिसके चलते यहां पर थोड़ी सी दिक्कतें जरूर ज्यादा है। लेकिन इसी बीच यहां पर केएल राहुल और जयदेव उनदकट दोनों खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल महामुकाबले में। अपना धमाल करने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया था। लेकिन दोस्तों दोनों खिलाड़ी फिलहाल इंजर्ड है, जिसके चलते डब्ल्यूटीसी फाइनल में दोनों ही खिलाड़ियों का पार्टिसिपेट कर पाना थोड़ा सा डाउटफुल यहां पर नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है हरभजन सिंह को लेकर। जी आप सभी को बताया कि विराट कोहली और आपके यहां पर गौतम गंभीर के बीच फिलहाल एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जहां पर पिछले महामुकाबले के दौरान आपस में दोनों खिलाड़ी आमने सामने हो गए थे। एक टीम के मेंटर, एक टीम के ओपनर बल्लेबाज है, दोनों आमने सामने थे। जितनी जद्दोजहद हुई थी सभी अपडेट्स मैंने आप सभी लोगों तक पहुंचाए थे। लेकिन दोस्तों हरभजन सिंह ने उस कंट्रोवर्सी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई वो खुद ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ सीजन दोनों खिलाड़ी आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को हक करेंगे और इस कंट्रोवर्सी का दी एंड कर देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे हमें किसी भी टाइप का कोई फर्दर अपडेट इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जहां पर फाइनली एशिया कप 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली 6 की 6 टीमों के नाम यहां पर डिसाइड हो चुके हैं। जी हां, आपकी जो 6 टीमें हैं वो आपके यहां पर इंडिया, पाकिस्तान, उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और 6ठी जो क्वालिफाइड टीम आपकी नेपाल है। भारत, पाकिस्तान और नेपाल ग्रुप ए में है, वही दूसरी तरफ आपके यहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ग्रुप बी में, और कुछ इस तरह का पोर्टफोलियो यहां पर एशिया कप 2023 के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यह है 4 मई 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।